कारणों से आम सभा में नहीं पहुंच पाए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, फोन पर किया संबोधित, जनता को बताई कांग्रेस की विशेषताएं। यूपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक, कोरोना संक्रमण की परिस्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में, नाइट कर्फ्यू हटाने का लिया फैसला। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से की बात, कहा यूक्रेन में फंसे एमपी के स्टूडेंट्स वापस आना शुरू, भोपाल के हर्षित शर्मा और इंदौर की आयुषी जैन की हुई वतन वापसी। और कोरोना को लेकर स्थिति अब नियंत्रण में, पहले से कम केस आए सामने, पिछले 24 घंटे में एमपी में किए गए लगभग 67,000 कोरोना टेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की, जिसका नाम है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में उन्हें आम सभा को संबोधित करना था। उन्होंने लिखा कि तकनीकी कारणों से वहां पहुंचकर भी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, जिसका मुझे खेद है। मैंने मोबाइल फोन के माध्यम से तिलोई की सम्मानित जनता को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी के संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही और कहीं ना कहीं कामयाब भी होती नजर आ रही। लिए योजनाएं लेके आ रही हैं, नौजवानों के लिए भर्ती विधान लेके आ रही हैं, महिलाओं से कह रही हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और सबको साथ में लेकर कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, ये कोशिश हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने ये सभी प्रकार के विधान बनाए हैं। पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का प्रचार कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज योगी के गढ़ गोरखपुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पहुंचे हैं भूपेश बघेल। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज उत्तर प्रदेश के सामने यक्ष प्रश्न है कि कब तक यहां की जनता जाति धर्म के आधार पर वोट करेगी, वे कब अपने मुद्दों पर वोट करेंगी। यदि जनता चाहती है कि उनकी समस्याएं हल हो तो वोट उन्हें देना होगा जो उनके मुद्दों की बात कर रही। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो जनता की बात कर रही। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण पर समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मध्यरात्रि से नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। सीएम शिवराज ने लोगों से मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि होली, रंग पंचमी और अन्य आगामी त्योहारों में लापरवाही न बरतें, समस्त सावधानियों का पालन करें, स्वस्थ रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की परिस्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में है, इस वजह से नाइट कर्फ्यू मंगलवार से समाप्त किया गया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन में फंसे एमपी के नागरिकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमपी के स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो वापस आना शुरू हो गए। मंगलवार देर रात भोपाल के हर्षित शर्मा और इंदौर की आयुषी जैन की वतन वापसी हो गई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों की वापसी को लेकर हर संभव प्रयास कर रही, तो वहीं उन्होंने कोरोना के साथ कई अहम मुद्दों पर भी जानकारी दी। सुनिए। जमीन से जुड़ने के लिए रखें तो सबसे पहले जमीन से जुड़े जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, लाहार के विधायक गोविंद सिंह जी मेरे मित्र, जिनको कहने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष इन्होंने नहीं बनाया था, दो पद लिए हुए हैं, जमीन से जुड़ने की मिसाल पेश करें और भिंड में ही घोषणा उन्हें नेता प्रतिपक्ष का एक पद देने की करें। नर्मदापुरम उसका हमारे जिले का नामकरण हुआ है और उसके बाद में कोई ना कोई सौगात तो देनी ही थी।
और हम पूरे प्रदेश में पुलिस के आवास तेजी के साथ बना के हमारे जो जवान हैं जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन जैसे समय में कठिन परिस्थितियों में भी सीना खोल के संघर्ष किया, उन सब के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आज नई सौगात पुलिस की इटारसी में देने में जा रहा हूँ। कल डीजी जेल, एसीएस, होम, मैं, एडीजी, सभी अधिकारी ने जो परसों हमने समीक्षा की थी और निर्देश दिए थे उसका पालना को चेक करने के लिए कल गए थे। वहां पर जो बारीकियां थी वो सब एक एक करके चेक भी की, जैसे फेंसिंग में जो तारों के अंदर करंट वाली फेंसिंग है वो ठीक काम कर रही है या नहीं, हमारे जो 104 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, टावर से जो वॉचिंग होती है वो ठीक हो रही है कि नहीं, और सभी ठीक पाए भी गए। यूक्रेन से आना हमारे बच्चों का प्रारंभ हो गया है। कल हर्षित शर्मा और आयुषी जैन रात में देर रात हिंदुस्तान आ गए हैं 11:30 के आसपास, एक भोपाल की हैं और एक इंदौर की हैं। कल भी एक फ्लाइट आने वाली है और नर्सों 24 तारीख को भी एक फ्लाइट आने वाली है। लगातार वहां से वापसी की कार्रवाई की जा रही है और इसलिए किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सभी इस विषय को लेकर लगातार संपर्क में बने हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 690 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाने वाले 1231 लोग हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5629 रह गए हैं, जबकि हमने सैंपल कल भी 67315 लिए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में 1.03 रह गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 97.5 हो गई है। वर्तमान में पुलिस के कुल 62 प्रकरण एक्टिव रहे हैं और 3 नए पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे। एमपी के चंबल अंचल में एक नए डकैत गिरोह की हलचल देखी जा रही। गांव के एक किसान का डकैतों ने अपहरण करने की कोशिश की थी, जिसके बाद किसान ने डकैतों के एक नए गिरोह की पुष्टि की है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बात से इनकार कर रहे हैं। किसान ने डकैतों के गिरोह में 2 महिलाएं और करीब 12 पुरुष होने का दावा किया। फिलहाल पुलिस चंबल के बीहड़ों में सर्चिंग कर रही, ड्रोन के जरिए भी डकैतों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। महिला और पुरुष जो भी डकैतों की बात आ रही है भिंड में, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है। इस तरह के कोई भी गैंग वहां पर सक्रिय नहीं है। गश्त करा के, चेक करा के और रैकी करा के इसको विधिवत देख लिया गया है और मेरी प्रार्थना उन सब लोगों से है कि इस तरह का भ्रम न फैलाएं। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने यूक्रेन में फंसे एमपी के नागरिकों को वापस लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि एमपी के नागरिकों की सकुशल वतन वापसी के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान से बैठक कर यह सुनिश्चित किया गया है कि विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करके नागरिकों को हिंदुस्तान लाने की समस्त प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाए। तो वहीं उन्होंने कोरोना पर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में एमपी में लगभग 67,000 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें से 690 पॉजिटिव केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 67,000 कोरोना के टेस्ट हुए हैं, जिसमें लगभग 690 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 5,629 एक्टिव केस हैं, लगातार ये संख्या घट रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी कल समीक्षा बैठक में इस बात का निर्णय लिया है कि अब सभी तरह की कोरोना संबंधित पाबंदियों को विड्रॉ कर लिया गया है। नाइट कर्फ्यू भी अब समाप्त कर दिया गया है। आगे आने वाले समय के होली के त्योहार और बाकी त्योहार लोग अच्छे से मना सकें, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। परंतु सभी से ये आग्रह है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का तो जरूर ध्यान रखें। वैक्सीनेशन हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि हम जो हमारी कोरोना से संबंधित हमारी जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं थीं, उनको उसी तरह चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा। परंतु जो हर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या उसके नीचे के अस्पतालों में जो कोरोना के डेडिकेटेड बिस्तर थे, उनमें अब आम मरीज भी होंगे, पर हर अस्पताल में एक वार्ड सीमित रूप से कोविड के लिए रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित किया है कि यूक्रेन में जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनको सकुशल अपने वतन लाया जा सके, अपने देश में लाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इस विषय में मीटिंग करके ये सुनिश्चित किया है कि यूक्रेन में जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनको केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करके हिंदुस्तान लाने की समस्त प्रक्रिया में जो हमारी सरकार का सहयोग है वो किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर अधिकारियों की एक डेस्क भी बनाई है, एक समिति भी बनाई है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि मध्य प्रदेश के जो भी निवासी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको पूरी तरह से सहयोग किया जाए। विदेश मंत्रालय पूरी तरह से इस विषय को देख रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार विदेश मंत्रालय के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगी कि मध्य प्रदेश के भी निवासी यूक्रेन। एमपी के भिंड में कांग्रेस पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री कमलनाथ 23 फरवरी को भिंड में जन आक्रोश सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर एक दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की थी। तो वहीं आपको बता दें कि भिंड शहर के जगहों को पोस्टर और बैनरों से सजा दिया गया है। और कांग्रेस को मजबूत करें, ये दुराचारी सरकार, दक्षिणपंथी सरकार, भाजपा की सरकार आप लोगों को चैन से नहीं जीने देगी। महंगाई आज देखिए चरम पर पहुंच गई है। आप देखिएगा ये चुनाव जब 10 तारीख को खत्म होंगे, 5 राज्य हो गए, तो पेट्रोल डीजल वो उस रफ्तार से बढ़ेगा कि आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। आप लोग महंगाई। भिंड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जन आक्रोश सभा को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से भिंड के 17 बटालियन हेलीपैड पहुंचे, जहां से उनका काफिला जन आक्रोश रैली के रूप में एमजेएस राजीव गांधी स्टेडियम तक पहुंचा। वहीं उनका जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और कमलनाथ को सुनने के लिए जिले भर से हजारों कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा। जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे मोदी अपनी दाढ़ी छोटी करवाते हैं, वैसे वैसे पेट्रोल सस्ता होता है, और जैसे जैसे दाढ़ी बढ़ाते हैं, वैसे वैसे पेट्रोल महंगा होता है। वहीं उन्होंने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज 20,000 झूठी घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। शिवराज जी आएंगे, पता नहीं कितनी घोषणाएं करके आएंगे। 20,000 घोषणाएं करी है, 20,000 घोषणाएं, ऐसी घोषणाएं पूरे प्रदेश भर में कर ली। और तब कहेंगे, पूछेंगे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मोदी जी भी पूछते हैं, मैं बता दूं, मोदी जी जिस स्कूल में आप गए, अगर आप गए, वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी जिस स्कूल में आप गए, वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। और अब पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो मैं तो आज महंगाई जो है आप उसका सामना कर रहे हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी की दाढ़ी देख लीजिए,
जितनी दाढ़ी काटते हैं उतना पेट्रोल का दाम घट जाता है, छोटे कर देते हैं पेट्रोल का दाम घट जाता है। अब बढ़ती हुई दाढ़ी बेचिएगा तो पेट्रोल। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। अपनी स्किन को दीजिए आयुर्वेद की देखभाल, अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी। कमलनाथ लगातार प्रदेश के सभी अंचलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ भिंड जिले दौरे पर थे, लेकिन उनके भिंड जिले के दौरे को लेकर बीजेपी ने बड़ा दाव खेल दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से एक बड़ी मांग कर दी। दरअसल कमलनाथ के भिंड दौरे को लेकर जब नरोत्तम मिश्रा ने सवाल किया तो उन्होंने बयान दिया कि कमलनाथ जी को अपने भिंड दौरे के दौरान लाहर के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा कर एक पद को छोड़ देना चाहिए, जिससे उनके भिंड दौरे की कुछ सार्थकता भी नजर आए। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि कमलनाथ जमीन से जुड़ने की बात कर रहे, ऐसे में अगर वह जमीन से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले लाहर से वरिष्ठ विधायक और मेरे मित्र डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि कमलनाथ दो पद लिए हुए हैं। अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका दौरा सार्थक होगा, नहीं तो ऐसे ही हवाई दौरे होते रहेंगे। जमीन से जुड़ने के लिए रखें तो सबसे पहले जमीन से जुड़े जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, लाहर के विधायक गोविंद सिंह जी मेरे मित्र, जिनको कहने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष इन्होंने नहीं बनाया था, दो पद लिए हुए हैं, जमीन से जुड़ने की मिसाल पेश करें और भिंड में ही घोषणा उन्हें नेता प्रतिपक्ष का एक पद देने की करें तो उनका दौरा सार्थक होगा, नहीं तो ऐसे ही हवाई दौरे। महिला और पुरुष जो भी डकैतों की बात आ रही है भिंड में, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है। इस तरह के कोई भी गैंग वहां पर सक्रिय नहीं है। गश्त करा के, चेक करा के और रैकी करा के इसको विधिवत देख लिया गया है और मेरी प्रार्थना उन सब। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राजधानी भोपाल में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बदलने के आदेश जारी किए। आईएएस विकास मिश्रा और आईएएस ऋतुराज के ट्रांसफर किए गए। आपको बता दें कि विकास मिश्रा आईएएस 2013 बैच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल से अब अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल एवं उप सचिव लोक परिसंपत्ति प्रशासन विभाग में नियुक्त किए गए हैं। वहीं ऋतुराज आईएएस 2015 बैच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बड़वानी से अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल में नियुक्त किए गए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब का अच्छा मौका है। 24 फरवरी को भोपाल में रोजगार मेला लगेगा, जिसमें पेटीएम समेत 22 कंपनियां आएंगी और जॉब के लिए युवाओं का चयन करेंगी। सैलरी 8 से 20,000 रुपए तक होगी। वहीं रोजगार मेला गोविंदपुरा स्थित मॉडल आईटीआई में लगेगा। सुबह 10:30 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जो शाम तक चलेगी। वहीं जिला रोजगार अधिकारी केएस मालवीय ने बताया कि जॉब फेयर में बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि टेलीकॉलर, एचआर एग्जीक्यूटिव, बाकी तमाम समेत नौकरियां पद पर मिलेंगी।
जो युवाओं को उनके योग्यता अनुसार मौका देंगी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर 24 घंटे काम करता है। कुछ ऑफिस तो ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं। वहीं विदेशों में सेवाएं देने वाली कंपनियों को रात में काम करना जरूरी है और उनकी मजबूरी भी, लेकिन ऐसी कंपनियों में महिला कर्मचारी काम नहीं कर पाती क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला कर्मचारियों को रात में काम पर बुलाने की मनाही है। लेकिन अब ये कानून बदलने वाला है। दरअसल श्रम विभाग ने इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। ये प्रस्ताव प्रमुख सचिव के पास भेज दिया गया। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। अब तक प्रदेश में सिर्फ कारखानों और आईटी सेक्टर में ही महिलाओं को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की मंजूरी थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नारी निकेतन में कैद एक बालिग महिला को रिहा करने का निर्देश दिया। महिला ने अपने धर्म से बाहर एक व्यक्ति से विवाह किया था, जिसके बाद परिवार के सदस्य उसके खिलाफ हो गए थे। जस्टिस शील नागू और जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की खंडपीठ ने उसे अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हुए कहा कि शादी हालांकि महत्वपूर्ण है, मगर शिक्षा के खिलाफ खड़ी होने की स्थिति में स्थगित की जा सकती है। दरअसल नारी निकेतन में गैर कानूनी रूप से रखी गई कॉर्पस को मुक्त करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता और कॉर्पस एक दूसरे को वर्षों से जानते थे और उन्हें एक दूसरे के प्रति प्यार हो गया था और शादी करने के इच्छुक थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बार संस्कृत फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। ये 7 दिनों तक चलेगा। 7 दिन तक अलग अलग संस्कृत फिल्में दिखाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाकवि कालिदास और सम्राट विक्रमादित्य पर संस्कृत फिल्म बनाई जाएगी। वहीं राष्ट्रीय संस्कृत चलचित्र उत्सव की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा। कालिदास संस्कृत अकादमी के अभिरंग नाट्य गृह में चल रहे इस उत्सव का आयोजन महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय और कालिदास संस्कृत अकादमी संस्कृति परिषद द्वारा किया जा रहा। वहीं संस्कृत चलचित्र उत्सव का शुभारंभ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने संस्कृत नाट्य विद्या को समर्पित नांदी वाक्य और विश्वविद्यालय कुलगान के गायन से हुआ। शुभारंभ में जीवी अय्यर द्वारा निर्देशित फिल्म शंकराचार्य का प्रदर्शन किया गया। ये फिल्म संस्कृत सीख रहे बटुक और कुछ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापकों और संस्कृत जानने समझने वालों ने बड़े ही उत्सुकता से देखी है। एमपी के रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत वन पाडर गांव आई बारात को लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हा सहित बारातियों को बंधक बना लिया। तो वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंची और सभी बारातियों को बंधक से मुक्त कराया। तो वहीं लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़के पक्ष के लोग धोखे से रखकर शादी रचा रहे थे। जब लड़की को मालूम हुआ कि लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस के द्वारा बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया और दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए। हमारे साथ हम सर हम अपने लड़का की शादी करने आए थे प्रदुम यादव। कहाँ आए थे? बनपाड़ा गांव। फिर क्या हुआ? बनपाड़ा में हमारे साथ लूट किए सर। कौन किया? बारात के घरात वाले। बंधक बना लिए थे आपको? जी सर। कब छूटे हैं आप? हम सुबह छूटे हैं सर। 8-9 बजे। कितना पैसा ले लिया आपसे? हमसे 75,000 सर ले लिए। और क्या ले गए? सोन चांदी माथे जेवरात पान थान ले गए। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही सर। रिपोर्ट कर दिए हैं आप? रिपोर्ट हम करने आए थे। हम अर्जी भर दिए हैं सर। अर्जी में हमको पावती नहीं मिल रही है सर।
शहर के भवरकुआ क्षेत्र में आज सुबह मजदूरों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई तो वहीं एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों में दो सगे भाई हैं। पुलिस जांच कर रही है। दरअसल घटना पालदा क्षेत्र की है, जहां पुलिस के अनुसार श्रीजी प्लास्टिक फैक्ट्री में वारदात हुई। बताया जा रहा है कि यहां के ऑपरेटर से काम को लेकर मजदूरों का विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दीपक पिता तुलसीराम यादव निवासी समता नगर की हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दीपक भी मजदूर था। उस पर रवि और उसके भाई राहुल ने चाकू से हमला किया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ और मौत हो गई। विवाद में अमित नामक एक मजदूर भी घायल हुआ है। घटना के पीछे ये बात सामने आई कि विवाद आज सुबह शुरू हुआ था। इसमें फैक्ट्री में भगदड़ मच गई और मजदूर आपस में भिड़ गए। घायल अमित को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।